संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे पर बोलते हुए कहा कि इस तरह के कब्जे को वो सही नहीं मानते हैं और ये उनका अपना मामला है। अगर इस तरह की सोच हमारे देश की तरफ देखती है तो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस हमले में अमेरिका का भी हाथ है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से चल रहे असमंजस्य के बाद दो पूर्व तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर भारतीय राजनीतिक लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तालिबान के इस कदम पर। संबल से सपा सांसद ने कहा कि ये उनका आपसी मामला है और हर देश आज़ादी चाहता है, यही वह हो रहा है। और जहां तक भाजपा द्वारा निकले जाने वाली आशीर्वाद यात्रा की बात है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार से पिछले 4.5 सालों में प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है और अब तो सपा की सरकार बनेगी। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा राष्ट्रगान के अपमान मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि ये उनका अपना पर्सनल मामला है। सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के लिए आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है अपने कुछ मंत्रियों के साथ। आप किस तरह से देखते हैं भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को? देखिए, ये आशीर्वाद यात्रा में खुलूस नहीं है, क्या काम करा रहे इस जब से ये हुए हैं, कौन से पब्लिक को राहत पहुँचाई है। किसान 8 महीने से जंगल में पड़ा, उसके बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और दुनिया भर की मुसीबतें हर मुसीबत में उठा रहे हैं, तो क्या ये आशीर्वाद है? अरे आशीर्वाद जब करते हैं तो उनके लिए ये काला कानून बनाया जाता है, इसको हटा देते हैं तो हम समझते हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका एक आशीर्वाद है, ये तो सब ये सब धंधे और जितनी भी ये चालें हैं ये सब कांग्रेस वो है आगे आने वाले यूपी इलेक्शन के लिए है ये आशीर्वाद। तो आप पब्लिक इतनी आसानी से नहीं बैठेगी कि आशीर्वाद कहने से आपके और पब्लिक आपके साथ हो जाएगी। पब्लिक खिलाफ है आपके और इंशाल्लाह समाजवादी की गवर्नमेंट बनेगी और हम जीतेंगे। डॉक्टर साहब, पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शादाब चौहान, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तालिबान को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है। वो उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि वो सबका सही लोगों का सही तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ। किस तरह देखते हैं आप तालिबान इस कब्जे को? देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रक्षा में था पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद करना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें उनका दखल नहीं है। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान, तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को उसके पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी भी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते, तो हमको क्या दखल देते। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा, अफगानिस्तान भारत से बहुत दूर नहीं है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है, आप एक अच्छा राज्य होगा सही तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ, किस तरह देखते हैं आप तालिबान इस कब्जे को? देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रक्षा में था पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद करना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें उनका दखल नहीं है। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान, तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को उसके पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी भी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते, तो हम उसमें क्या दखल दे सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा, अफगानिस्तान भारत से बहुत दूर नहीं है, तालिबान ने कब्जा कर लिया, आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, आप किस तरह देखते हैं, क्या विस्तारवाद होगा, क्या ये जो इस्लामिक इस तरह का जो फैल रहा है ये कहां तक जाएगा, किस तरह से देखते हैं? इस्लामिक एक फिलॉसफी जो है वो अपनी जगह पर है,
हिंदू फिलासफी अपनी जगह पर है और फिलासफी जितनी भी है अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई मुल्क के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हमें क्या डर लग रहा है? हमको, हम मजबूत हैं, हम हिंदुस्तान में हम कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है, हमारे मुकाबले पर है, हमारे अंदर हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आएगा तो सारा मुल्क खड़ा है। तो आप क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं, किस तरह देखते हैं? वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो ध्यान रखा, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी? डॉक्टर साहब एक सवाल ये था कि कल 15 अगस्त था और जब राष्ट्रगान हो रहा था मुरादाबाद में तो जो सांसद एस टी हसन है वो जो राष्ट्रगान भूल गए और गा नहीं पाए, तो किस तरह से मानते हैं वो? आप ये तो उनका दादी नाम रहा।